अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, या केमिस्ट्री की जान जो होती है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री भी नहीं आती। तो आज जो है हम थोड़ी सी सिंपल ट्रिक जो है वो फॉलो करेंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल सी ट्रिक्स हैं, आपने वो फॉलो करनी है। और क्या कर सकते हैं आप, किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की, चाहे 118 एलिमेंट तक पहुंच जाएंगे, आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों बजाते में आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी हमारे पास, हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। फार्मूले से हम फिर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, बेसिकली पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबशेल क्या है। ठीक है जी। तो सबशेल क्या होते हैं, हमारे पास s, p, d और f, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं s के अंदर, p के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ये बताना है कि स्टार्ट फिलिंग टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है टू मैक्सिमम एक्सटेंट, हमने क्या करना है, स्टार्ट से हमने फिल करते जाना है और मैक्सिमम एक्सटेंट में फिल करेंगे, मैक्सिमम हद के अंदर जितना हम फिल कर सकते हैं। के पी के अंदर 6 आ सकते हैं तो पी के अंदर 6 डाल देंगे, और उससे ज़्यादा आ नहीं सकते तो इसलिए हम उससे ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम एक्सटेंट तक फिल करते जाएंगे, और वैलेंस जो लास्ट वाला सेल होगा वो क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है या फिर कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एटम हम बात कर रहे हैं। तो सिंपल हमें ये पता होना चाहिए, ये वाला जो रूल है ये आपके लिए आसान होगा। मतलब कैसे याद कर सकते हैं कि स्कूल स्कूल है, ठीक है जी, फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल है, फिर उसके बाद डेली पब्लिक स्कूल है डेली पब्लिक स्कूल, फिर फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल। सिंपल है, मतलब पहले स्कूल स्कूल आ गया, फिर एक वर्ड और ऐड कर दिया, पब्लिक स्कूल हो गया, फिर उसके बाद डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल हो गया, और फिर फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल और फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल। सिंपल सा रूल है। तो इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक हम जनरल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न लिख देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, जो आगे हमारे पास नेक्स्ट कोई सा भी एटम आप दे देंगे तो आप क्या कर सकते हैं उसको चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास, हम इसका जनरल मॉडल जो है वो लिख लेते हैं। तो जनरल मॉडल आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर अगर हम देखें तो बनाते हैं स्कूल 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 स्टार्ट से बनाते हैं स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है हमने रूल लिख दिया है, और फिर उसके बाद आपने करना क्या है, अब जो S, अब नंबरिंग देनी है कि कौन से हमारे पास क्या कह सकते हैं उसके साथ बिलोंग होगा, कि कौन सा जो नॉर्मल शेल है उसके साथ बिलोंग करेगा। तो वो नंबरिंग 1, 2, 3 जो 4 हम देते हैं वो नंबरिंग देनी है, और उसके लिए भी सिंपल सा रूल है, पहले ये लिख दिया आपने। अब क्या करें, S को नंबरिंग दे पहले, फिर उसके बाद P को नंबरिंग देंगे, फिर D को नंबरिंग देंगे, और फिर F को। कभी भी एक साथ नंबरिंग ना देना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, S को नंबरिंग देनी है, और S को 1 से स्टार्ट करना है। P अगर दूसरा सबशेल है तो डेफिनेटली 2 से स्टार्ट करेंगे, D जो है तीसरा है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, और F जो है 4 है तो उसको 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जो है नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली पहले S को देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी, 6 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, 7, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। फिर उसके बाद P को नंबरिंग देनी है, अब क्योंकि दूसरा सबशेल P है तो डेफिनेटली 2 से स्टार्ट करना है हमने, तो 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमने डेफिनेटली D को स्टार्ट करना है, और D को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P को 2 से स्टार्ट किया है तो D को 3 से स्टार्ट करना है, तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर उसके बाद 5 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा। ठीक है जी, और आगे D लिखे ही नहीं हुए।
फिर उसके बाद आ जाता है कि हमने एफ को स्टार्ट करना है, और डेफिनेटली एफ को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, डी को हमने 3 से स्टार्ट किया है तो एफ को हम 4 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर 4 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 5, और आगे मतलब यहां तक अगर आप करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो लेट से हम कहते हैं कि एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है जी। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 6, 2, 6, 2, 10 मैक्सिमम आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, फिर उसके बाद डी के अंदर 10 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 14 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, और यहां पर क्या आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन और यहां पर क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये मैक्सिमम कोई 100 से अबव जा रहा है कि 2, 2 और 6, ये कितना हो गया, 10 हो गया, 2, 6, 2 ये 10 हो गया, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, और 30 हो गया, 30 और ये क्या हो जाएगा, 38 और 10 कितना हो जाएगा, 48 और यहाँ पर 50 हो जाएगा, और 6, 56 और 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80 और 88 हो जाएगा यहाँ पर, और 88 और इसको करेंगे 92 और 102 और 112 और 112 के अंदर जब ये ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 118। तो 118 जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है और आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर हमारे पास कोई भी एलिमेंट दरियाफ्त हो जाता है तो आपने करना क्या है, आपने घबराना नहीं है, आपने करना क्या है कि ये जो फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल है इसको एक और मरतबा फोर्ट डेली पब्लिक स्कूल लिख के और आप नंबरिंग आगे दे सकते हो, मतलब एस की नंबरिंग, पी की नंबरिंग, डी की नंबरिंग और एफ की नंबरिंग, सारी नंबरिंग दे के और फिर आप मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल रूल, और आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, ऐसे लिखना है और फिर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है। लेट से हम कहते हैं कि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, जो हमारे पास आयरन होता है Fe, वो 26 होता है, कितना होता है हमारे पास 26, तो Fe जो है वो हमारे पास क्या है 26। अब इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप करने हैं, तो डेफिनेटली आपने जो रूल मैंने बताया है उसी तरीके से आपने फॉलो करना है। पहले क्या लिखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। अब यहाँ पर स्कूल पब्लिक स्कूल आ गया, ठीक है जी। फिर उसके बाद अब मैक्सिमम काउंट भी करते जाना थोड़ा थोड़ा, कि यहाँ पर 10 हो गए और यहाँ पर भी 10, मतलब 20 हो चुके हैं, और फिर उसके बाद क्या आता है, डेली पब्लिक स्कूल आता है, तो डेली अगर करेंगे तो हमारे पास 30 हो जाएंगे, यहाँ पर 26 फिल करने हैं, तो अब क्या करते हैं, नंबरिंग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग क्या आएगी, 1, 2, 3, पहले आपने एस को नंबरिंग देनी है, फिर पी को देनी है, और फिर डी को देनी है, और फिर एफ को देनी है, इकट्ठी नंबरिंग दोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, ठीक है जी। फिर उसके बाद पी को 2 से स्टार्ट करना है, 2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और डी को डेफिनेटली 3 से स्टार्ट करना है। अब क्या करते हैं, हम फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम, और एस के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, डी के सॉरी पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2, कितने हो गए, 2, 2, 4 और 6, 10, 10 और 2, 12, 12 और 6, 18, 18 और 2, 20, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था कि पहले मैक्सिमम फिल करते जाना है, और वैलेंस जो आएगा लास्ट वाला सबशेल उसके अंदर कम्प्लीटली भी हो सकता है, इनकम्प्लीटली भी, डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। यहाँ पर 20 हो चुके हैं, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 26 ही हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब आपने यहाँ पर 10 नहीं लिखना, ठीक है जी। बाज़ूकात बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं कि यहाँ तक, तो यहाँ पर 10 आ सकते हैं तो 10 ही लिखते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे है, जिस एटम की या जिस एलिमेंट की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसके लिहाज से देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन, अब उसके पास है ही बाकी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 20 तो फिल हो चुके हैं, तो है ही 6 इलेक्ट्रॉन, तो हम 6 ही फिल कर सकते हैं, आगे 10 हम 4 इलेक्ट्रॉन खुद से कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एफ ई हो गया, फिर उसके बाद कुछ और भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, लेट से बात करता हूँ मैं किसी और की, अब मुझे कोई एलिमेंट्स याद नहीं है, कोई भी नॉन, जैसे मैं कर देता हूँ कि हमारे पास 56 है, कितना है 56, अब ये 56 थोड़ा सा बड़ा है तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले आपने स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें तो कितने हो चुके हैं, 10, 20, 30
और ये कितने हो गए, 38 हो गए हैं, अभी और कर रहे हैं। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल कितने हो चुके हैं यहाँ पर, अगर हम देखें तो 10, 20, 30 और ये 38 और 48, 48 और 6 कितने होते हैं, 48 और 6 54 और 2 56, तो 56 हो चुके हैं। तो आपने करना क्या है, अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाने हैं। पहले आप वो नंबरिंग दे ले, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है जी। और डी का हम 2 से स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर बस आगे है ही नहीं। फिर उसके बाद डी को देखते हैं, 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है। अब इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं डेफिनेटली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, फिर उसके बाद 10, 6 और 2। अब इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं, डेफिनेटली कंप्लीट होंगे क्योंकि यहाँ पर 2, 2 और 6 कितने हो गए, 10 और 10, 20, 30 और ये 38 हो गए, 48 हो गए और 6 कितने हो जाएंगे, 54 और 2 56। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमने फिल कर लिए हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें, और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो मैं कुछ एलिमेंट्स जो है उसका नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसके एटॉमिक नंबर बताऊंगा। एटॉमिक नंबर की बेस पर आपने क्या करना होगा, डेफिनेटली अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, एक जो एटम है एम है, तो एम की जो है हमारे पास, लेट्स से मैं क्या देता हूं कि 110 है, ठीक है जी, कितना है 110। और जो दूसरा है हमारे पास एन है, और एन की है हमारे पास 76, और ओ जो है उसकी कितनी है, 85 है। और जो हमारे पास कुछ और कह देते हैं, लेट से एस कह देता हूँ, अब एस की जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है वो है हमारे पास 90, ठीक है जी। और एक छोटा भी दे देता हूँ चले, तो हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का कितना होता है 17, और फ्लोरीन जो है उसका क्या होता है 9। तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 एटम्स जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना है, और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।